नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। चलिए, यहाँ पर हम आज बी एड थर्ड सेमेस्टर न्यू कोर, यहाँ पर एग्जामिनेशन 20-21 दिया गया है, 2022 का ही पेपर है, एजुकेशन पेपर, वो भी पेपर सेकंड पढ़ेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन के पेपर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम बता दें आपको, वीडियो को शुरू करने से पहले, इसके पहले हमने पेपर फर्स्ट भी अपलोड किया था और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के हमने सारे के सारे पेपर अपलोड किए हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां से देख भी सकते हैं। इसके पहले जो है बीएड थर्ड सेमेस्टर में जो है दो ही पेपर को आपको यहाँ पर देने होते हैं, जिसमें से दो पेपर और होते हैं जो टीचिंग के होते हैं, लेकिन इसमें से दो ही पेपर आपको यहाँ पर देने होते हैं, जिसमें से हमने पहला पेपर पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ वीडियो देख सकते हैं, दूसरा पेपर आज हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप टाइम दिया गया है 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क जो है वह 100 अंकों का दिया गया है। चलिए यहाँ पर प्रश्नपत्र पढ़ लेते हैं। प्रश्नपत्र नोट में क्या दिया, नोट में दिया गया है यहाँ पर, यह प्रश्न जो है 3 खंडों में विभाजित है, आ बा एवं सा। खंड आ बा एवं सा में जो है 40, 20 और 40 अंकों के हैं। अभ्यर्थी उत्तर प्रत्येक खंड में दिए निर्देशानुसार लिखना है। चलिए यहाँ पर हम सेक्शन ए पढ़ते हैं। सेक्शन ए दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आत लघु उत्तरी प्रश्न दिया गया है। चलिए यहाँ पर का नोट पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 1 के सभी भागों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। कह रहा है इसमें से जो है 8 प्रश्न दिए गए हैं सेक्शन ए में, जिसमें से आपको सारे के सारे आंसर देने हैं। और यहाँ पर जो है सब सीमा 100 है और एक क्वेश्चन अगर साल करेंगे आंसर देंगे तो आपको 5 अंक मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये पढ़ते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की अवधारणा को आप स्पष्ट कीजिए, शिक्षा की अवधारणा को आप स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं यहाँ पर, व्हाट आर द एम्स ऑफ टी स्कूलिंग एजुकेशन, अर्थात व्हाट आर द एम्स ऑफ डी स्कूलिंग एजुकेशन, निविद्यालयी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ओपन एजुकेशन, अर्थात मुक्त शिक्षा के महत्व क्या है, ओपन एजुकेशन के महत्व क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, व्हाट डू यू द मीन बाई मास मीडिया, अर्थात जनसंपर्क माध्यम से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, व्हाट आर द सेल्फ लर्निंग मटेरियल कंस्ट्रक्टेड, अर्थात स्व अधिगम सामग्रियों का निर्माण क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर व्हाट डू यू द अंडरस्टैंड्स बाई डिस्टेंस एजुकेटर, अर्थात दूरस्थ प्रशिक्षु से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर कह रहा है दूरस्थ प्रशिक्षु से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, व्हाट आर द यूजेज ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर के उपयोग क्या है, यहाँ पर कंप्यूटर के उपयोग क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है एजुकेशन में। और तो यह चाहे यहाँ पर, व्हाट इज द असेसमेंट ऑफ नेसेसरी इन एजुकेशन, शिक्षा के मुँह में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, शिक्षा में मूल्यांकन जो है क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए यहाँ पर हम शार्ट अब सेक्शन बी पढ़ते हैं। यहाँ पर शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लघु उत्तरी प्रश्न इसमें नोट में दिया गया है। इस खंड में किन्हीं दो ही प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न जो है वह 300 शब्दों में दीजिए और यहाँ प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। यहाँ पर 2-4 प्रश्न दिए गए जिनमें से आपको 2 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं और यहाँ पर 300 शब्दों में आपको सब सीमा जो है 300 है और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न जो है वह 10 अंकों का है। यहाँ पर 10 अंकों आप मिलेंगे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द एवलुएशन सिस्टम इन द यूरोपियन यूनिवर्सिटीज, अर्थात मुक्त विश्वविद्यालयों में मूल्यांकन पद्धति का वर्णन कीजिए, मुक्त विश्वविद्यालय में मूल्यांकन पद्धति का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओपन एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, अर्थात यहाँ पर आपको अंतर ही बताना है कि ओपन एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन अर्थात मुक्त शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा के मध्य अंतर स्पष्ट करना है आपको यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर चौथा है, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंट मीडिया एंड नॉन प्रिंट मीडिया, विभिन्न प्रकार के मुद्रित एवं अमुद्रित मीडिया की विवेचना कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा पढ़ते हैं, डिस्कस द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया, भारत में दूरस्थ शिक्षा की वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए। यहाँ पर भारत में जो दूरस्थ शिक्षा है उसकी जो है प्रेजेंट टाइम में आपको उसकी विवेचना करनी है। चलिए यहाँ पर सेक्शन बी समाप्त हुआ, सेक्शन सी पढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन सी यहाँ पर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर नोट में दिया गया है, इनमें से किन्हीं दो ही प्रश्नों के आंसर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न जो है लगभग 6 शब्दों में दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन ओपन यूनिवर्सिटी, अर्थात मुक्त विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य प्रणालियों का वर्णन कीजिए। चलिए यहाँ पर हम सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन दिए गए, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, अर्थात दूरस्थ शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। यहाँ पर सातवें में ये करना है। आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल द फॉर्मेट ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल अर्थात स्वाधिगम सामग्री के प्रारूप की व्याख्या विस्तार में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द वेरियस प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन डिस्टेंस एजुकेशन, अर्थात दूरस्थ शिक्षा में विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।